नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है एक और वीडियो लेकर। पंजाब की प्लेइंग 11, जो गुजरात के खिलाफ पंजाब की प्लेइंग 11 होने वाली है, उसकी प्लेइंग 11 बताऊंगा, क्योंकि गुजरात की प्लेइंग 11 मैंने बता दी है। बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, उनके घर में खेलेंगे गुजरात के शेर, अपना घर हो। तो कई मैचेज में प्रभ सिमरन सिंह ने बहुत कमाल की और अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई है। अब क्या हो सकता है, देखिए आने वाले मैचेज में क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए। तो यहां पर तो प्रभ सिमरन सिंह रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। शिखर धवन के साथ इस बार पंजाब की खोज है ये प्रभ सिमरन सिंह, जो है बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। और पिछले मुकाबले में हालांकि इनका बल्ला नहीं चला था, लेकिन पिछले मुकाबले में अच्छा अर्धशतक लगाया था। तो कमाल की बल्लेबाजी इस बल्लेबाज के यहां से निकल लिए। तो धवन दूसरे छोर पर रहेंगे और धवन जो है ना बहुत अच्छे रन बना रहे हैं। कमाल की बल्लेबाजी धवन कर रहे हैं, कई अच्छी 50 लगा चुके हैं और बड़ी 50 लगा चुके हैं। तो धवन के बल्ले से एक अच्छा टच इस बार 2023 में नजर आ रहा है। बहुत कमाल के टच में शिखर धवन है, कप्तानी का प्रेशर उनके ऊपर नजर नहीं आ रहा, जिस तरीके की वो बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद के जो बल्लेबाज है ना, वो पंजाब में कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे हैं। वो बात पंजाब में नजर नहीं आ रही है, जो बाकी टीमों के बल्लेबाज कुछ अच्छे करते हुए नजर आ रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब कुछ गलतियां कर रही है। गलतियां क्या कर रही है, तो बदलाव बहुत कर रही है, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छी बल्लेबाजी है। ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजी नहीं है, इनके पास भानुकर राजपक्षे अच्छी कर रहे थे, पिछले एक दो मैचेस में अच्छी की, लेकिन उनको बाहर करके मैथ्यू शॉर्ट को ले लिया। अब मैथ्यू शॉर्ट फेल हो रहे हैं, तो मैथ्यू शॉर्ट को बाहर करके पता नहीं किसको लिया जाएगा। तो यहां पर जो ये आप लगातार चेंजेस कर रहे हैं, वो चेंजेस जो है कभी कभी टीमों पर भारी पड़ जाते हैं। तो चेंजेस को जो है नहीं करना है, ये सबसे बड़ी बात है कि चेंजेस ज्यादा करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर क्या करना चाहिए इनको, सबसे पहले इनको जितेश शर्मा को नंबर 3 पर लाना चाहिए। इनके पास बहुत अच्छा बल्लेबाज है और भारतीय जो खिलाड़ी हैं, कुछ नौजवान खिलाड़ी हर टीम में, जितने भी भारतीय नौजवान खिलाड़ी हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। बात गुजरात की कर लीजिए, बात राजस्थान की कर लीजिए, बात मुंबई के बल्लेबाज की कर लीजिए, तिलक वर्मा की बात आप किसी की भी कर लीजिए, हर टीम के जो नौजवान खिलाड़ी वो अच्छा कर रहे हैं। तो मुंबई पंजाब के पास भी जितेश शर्मा जैसा अच्छा खिलाड़ी है, मेरे हिसाब से जितेश शर्मा को नंबर 3 पर प्रमोट करना चाहिए। नंबर 3 पर जितेश शर्मा को खिलाओ, मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा। उसके बाद में क्या करना चाहिए इनको, उसके बाद में इनको भानुकर राजपक्षे जैसे खिलाड़ी को वापस ले लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि राजपक्षे को आप वापस ले लीजिए, मेरे हिसाब से राजपक्षे को वापस लेना बहुत बेहतर होगा। राजपक्षे को वापस लीजिए, मेरे हिसाब से बहुत बेहतर रहेगा। राजपक्षे को आप देखिए, बल्लेबाज के तौर पर वो अच्छे हैं, वो ऊपरी क्रम पर बहुत अच्छे रन बनाकर दे सकते हैं, समझदारी है उनको, मैच्योरिटी उनके पास है, बड़े मैचेस के प्लेयर हैं। तो राजपक्षे को आपको लेना चाहिए, आप मतलब मैथ्यू शॉर्ट को बाहर निकालने के बाद। उसके बाद में क्या करना चाहिए, सैम करन यहां पर आ गए, फिर सैम करन आ गए। उसके बाद में क्या है, देखिए सिकंदर राजा फेल हो रहे हैं, सिकंदर राजा की बल्लाबाजी उस तरह की ना, गेंदबाजी तो है नहीं, पिछले मुकाबले में तो उनको इंपैक्ट खिलाड़ी। तो शाहरुख खान एक और फिनिशर के तौर पर आपके पास मौजूद है, मेरे हिसाब से शाहरुख खान जो है वो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, थोड़ी सी जिम्मेदारी उनको देनी चाहिए, जितनी जिम्मेदारी आप उनको देंगे उतना बेहतर वो कर सकते हैं। उसके बाद में शाहरुख खान के पास बाद में हरप्रीत बरार आपको यहां पर नजर आएंगे। हरप्रीत बरार के बाद में आप राहुल चाहर आपको यहां पर नजर आएंगे। एक खिलाड़ी इनके पास और है, बेंच पर बैठा है, बड़ा मैच विनर है, उसको खिलाना चाहिए। उसको ना खिलाना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो खिलाड़ी ऐसा अपने दम पर मैच का रुख बदल सकता है। वो खिलाड़ी कौन है वो भी मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूं। राहुल चाहर के बाद में इनके पास है नाथन एलिस। उसके बाद में इनके पास है मोहित राठी को इन्होंने भरोसा दिया है, अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अर्शदीप सिंह, तो इनके पास ये टीम, मुझे ऐसा लगता है ज्यादा बदलाव नहीं होगा, यही टीम इनके पास रहने वाली है। मेरे हिसाब से मैथ्यू शॉर्ट की जगह आप भानुकर राजपक्षे को वापस ले आइए, ये एक प्लेइंग 11 अगर हो जाएगी बढ़िया होगा। अब इनके पास कौन सा खिलाड़ी है जो मैच विनर साबित हो सकता है, तो अब इनके पास विदेशी खिलाड़ी कौन होंगे, भानुकर राजपक्षे, उसके बाद में सैम करन 2 और नाथन एलिस 3, ये 3 खिलाड़ी इनके पास विदेशी होंगे। अब इनको क्या करना है, अब पंजाब की टीम एक चाल चल सकती है, एक चाल क्या चल सकती है कि भानुकर राजपक्षे की जगह आप किसको ले लो, रबाड़ा को ले लो। मेरे भाई रबाड़ा इनकी टीम में आ चुके हैं, अब रबाड़ा के बारे में आप जानते हैं कितने बड़े गेंदबाज हैं, रबाड़ा की बात आप विकेट टेकर हैं, कैसे गेंदबाज हैं को पता है। तो भानुकर राजपक्षे से बल्लेबाजी करवाइए और उसके बाद से रबाड़ा से गेंदबाजी करवा लीजिए इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर। तो मेरे हिसाब से ये पंजाब के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि गेंदबाजी फिर आपकी मजबूत हो जाएगी। आपके पास रबाड़ा होंगे, आपके पास अर्शदीप सिंह होंगे, मोहित राठी होंगे, नाथन एलिस होंगे, राहुल चाहर होंगे, बरार होंगे, तो सैम करन होंगे, तो कितने गेंदबाजी के ऑप्शन आपके पास, सोचिए।
सैम करन एक हो गया, उसके बाद में आपके पास हरप्रीत बरार दो हो गए, राहुल चहर तीन हो गए, नाथन एलिस चार हो गए, मोहित राठी पांच हो गए, अर्शदीप सिंह छह हो गए और रबाड़ा सात, और तेज गेंदबाजी के भी अच्छे ऑप्शन हो गए आपके पास, स्पिन के भी अच्छे ऑप्शन हो गए। तो पंजाब को यह काम करना चाहिए, भानुका राजपक्षे की जगह आपको रबाड़ा को इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, मेरे हिसाब से यह बहुत बेहतर होगा। अगर पंजाब को बेहतर प्रदर्शन करना है तो रबाड़ा को आप बेंच पर नहीं बैठा सकते, रबाड़ा को आप जितना ज्यादा बेंच पर बैठाएंगे आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, तो रबाड़ा को बेंच पर नहीं बैठाना है, रबाड़ा को बेंच पर बैठाते ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर आपको यह प्लेइंग 11 आपको रखनी है, जितेश शर्मा को आप नंबर 3 पर प्रमोट करिए, मेरा ऐसा मानना है कि शायद नंबर 3 पर जितेश शर्मा अच्छा करेंगे, बहुत सारे नौजवान खिलाड़ी ऊपरी क्रम पर आकर बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जितेश शर्मा को आप ज्यादा नीचे मत रखिए, जितेश शर्मा को रखिए, भानुका राजपक्षे को रखिए, मेरे हिसाब से बेहतर होगा। सैम करन है आपके पास, शाहरुख खान को थोड़ा सा ज्यादा जिम्मेदारी देने की जरूरत है मुझे ऐसा लगता है, वो उनके अंदर ताकत है कि वो बड़े बड़े शॉट लगा सकते हैं, रिंकू सिंह वाली बल्लेबाजी कर सकते हैं शाहरुख खान भी, तो वो ताकत उनके पास है, लेकिन थोड़ी सी फ्रीडम देना पड़ेगा मेरे हिसाब से, थोड़ा सा फ्रीडम देना पड़ेगा। हरप्रीत बरार है, राहुल है, नाथन है, तो इनके पास एक अच्छी टीम है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में इनके पास अच्छी टीम है, बस थोड़ा सा भरोसा देने की जरूरत है, अच्छे फैसले लेने की जरूरत है, बेहतर प्लेइंग 11 मैदान पर उतारने की जरूरत है। ये प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से होनी चाहिए पंजाब की गुजरात के खिलाफ। तो आपका इस प्लेइंग 11 पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपनी प्लेइंग 11 जो आपके हिसाब से उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हम भी आप लोगों की प्लेइंग 11 को देखकर आइडिया लगा सकें। थैंक यू वेरी मच।